वेलकम टू इंडियन फोलाइन, मैं हूं इंदु चौधरी। आजकल हम कई बार सुनते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं और इसका असर सेविंग्स पर पड़ रहा है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स घटने और बढ़ने का असर हमारी सेविंग्स पर पड़ता है और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यही बात आज मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर बॉन्ड और यील्ड होते क्या है। दरअसल कई बार कंपनियां या फिर सरकार सीधे बैंक से कर्ज ना लेकर अपने आगे की योजनाओं के लिए आपसे या फिर मुझसे, हम जैसे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है और इसके लिए वो बॉन्ड्स जारी करती है। ये बॉन्ड्स एक निर्धारित ब्याज दर पर मिलते हैं या फिर किसी तय फॉर्मूले के हिसाब से इनके इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते रहते हैं। बॉन्ड्स की एक फेस वैल्यू तय की जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1000 रुपए के बॉन्ड्स जारी किए हैं, तो इसका मतलब उन बॉन्ड्स की फेस वैल्यू 1000 रुपए है। आपके बॉन्ड्स पर हर महीने मिलने वाले इंटरेस्ट को कूपन रेट कहते हैं, वहीं बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न को यील्ड कहा जाता है। अब इसे कैसे समझा जाए? जब मार्केट में बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो यील्ड गिरना शुरू हो जाती है, और जब बॉन्ड की प्राइसेस नीचे गिरती हैं, तो यील्ड बढ़ना शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए की फेस वैल्यू के 10 बॉन्ड लिए हैं जिनका कूपन रेट 8% चल रहा है। ऐसे में अगर आप कूपन रेट को फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपको आपके यील्ड का पता चल जाएगा। अब अगर बॉन्ड की मार्केट प्राइस 1000 रुपए से गिरकर 900 रुपए हो जाती है, तो ऐसे वक्त में आपकी यील्ड बढ़ जाएगी और ये 8% के मुकाबले बढ़कर 8.8% हो जाएगी। अब अगर बॉन्ड की मार्केट प्राइस बढ़कर 1100 हो जाती है, तो ऐसे समय पे आपकी यील्ड घट जाएगी और ये 8% से कम होकर 7.2% हो जाएगी। तो इस तरह बॉन्ड्स में हो रहे उतार चढ़ाव के बावजूद आप अपने यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स की सही पिक्चर भी जान सकते हैं।